जाने जाना रब दा फैसला। इतना भी बुरा नहीं था, मैं एक चांस तो डिजर्व करता था, वो भी उसने नहीं दी। मुश्किल बड़ी ये दिल बरी, दर पे आया बन के मैं सवाली। कितनों पे दिल आया तेरा, चिकनी चुपड़ी बात तेरी जाली, चिकनी चुपड़ी बात तेरी जाली। हेलो नेहा, हमको अच्छी कॉन्वर्सेशन होगी, आदम फोटो सेंटर से। सच है कहा जिसने। यहाँ कैसी हो? हाँ, ठीक हूँ। कंग्रेचुलेशंस। किस चीज के लिए? तुम्हारा एंगेजमेंट है। हाँ, थैंक्स। लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। नेहा की बच्ची, तुम अपना क्लच गाड़ी में भूल गई थी, पकड़ो इसे। तुमसे इतना सा छोटा क्लच नहीं संभाला जा रहा। अपनी जबान को ना आज के दिन तो ताला लगा लो, वरना इस सारिम के घर वाले ना तुम्हें हमारे सर पे छोड़ के चले जाएंगे। तेरी हंसी जादू भरी लगती है सबसे निराली। ओ तेरी हंसी जादू भरी लगती है मुझको निराली। ऊपर भी वो ना चल सके, राहों में मिले जो तुमको राही, राहों में मिले जो तुमको राही। ओ तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। और चुड़ैल कैसी हो? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया रेलू कट्टे? यार ये हर बंदा मेरे से ये सवाल क्यों पूछ रहा है? भाई मेरी कोई इज्जत नहीं है। यार तुमने वैसे उसको दिमाग पे सवार कर लिया। दिमाग की बात है ही नहीं, दिल की है। तो यार जो भी है, ये रोना धोना तो बंद करो ना। कहते ना मर्द बनो। तो मर्द हूँ तो घुट घुट कर मर जाऊँ? हाँ, हमारे इमोशंस नहीं होते, हमें कोई चीज़ हर्ट नहीं कर सकती। हम क्या बस बर्दाश्त और सब्र करने के लिए पैदा हुए हैं? यार बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। यार मोहब्बत में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। इंसान अपनी ईगो को रिजेक्ट करके किसी और को एक्सेप्ट करके मोहब्बत करता है। अरे भाई यार गए वो दिन, लैला मजनू वाले, ससी पुन्नू वाले दौर खत्म है। यार दौर गुजर गया, लेकिन इमोशन वही है, इंसान वही है, दिल भी वही है। इनफैक्ट आज के जमाने के लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो मेरे भाई जाओ, जाके बात करो सर को तुमसे। क्या बताऊं, उनकी बेटी को तो मोहब्बत, ये प्यार शार सब बेकार लगता है। वो आज के ज़माने की बड़ी प्रैक्टिकल लड़की। यार उसको कोई जाके बताए, ये ज़िंदगी है, इसके फादर की डिपार्टमेंट की केमिस्ट्री लैब नहीं है। यार मैं ऐसा लकी नहीं हूँ कि वो मुझ पर अपनी मोहब्बत की एक निगाह डालकर मेरी खाकी वजूद को कीमिया कर देती। ओ कीमिया दान, ये तो हाफिज़ का शेर था, ये तुम अपनी फिलॉसफी बना के झाड़ रहे। बकवास ना करो, दिल टूटा हुआ मेरा। भाई नेहा आप ही बुला रही हैं। जा, आ गया बुलावा तुम्हारा मोहब्बत के दरबार से। क्यों बुला रही है? मुझे क्या पता, अब आके देख ले। सारे मेन्यू की ऐसी की तैसी फिर दी बाबा ने। सर मैं, मुझे क्या पता था पूरा मेन्यू चेंज कर देंगे। देन बाबा को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की क्या जरूरत थी आपको? मैं मैनेजर को सब कुछ समझा चुका था। मुझे लगा उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत अच्छा किया, अब कॉन्फिडेंस की जली हुई पुडिंग खिला देना नया के ससुराल वालों को। हाँ नहीं तो ए टू जी सारा मेन्यू बदल दिया। ऊपर से रेस्टोरेंट बैठ के भड़के मारे थे कि कुतुब जो है वो
उंगलियां चाटता रहेगा मेरा पालक पनीर और बीफ बिरयानी खा के। ये दोनों चीजें तो उनकी अपनी फेवरेट हैं। क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा कि एक घंटे बाद फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और मैं कुत्ते मक्कल को क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे बेटा यही मुंह दिखा देना ना, अब इतनी हबड़ दबड़ में प्लास्टिक सर्जरी का इंतजाम कहाँ से करेंगे हम। नानू ये कुछ झुकते मानने का वक्त है। नहीं मैं तो माँ को ये समझा रही थी कि भाई इंसान किसी से पूछ के मशवरा करके इतना बड़ा फैसला लेता है ना, किसी से पूछे बगैर ही सुल्तान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, सीईओ ऑफ केटरिंग ही बना दिया। अम्मा बस कर, अब इस बेचारी को क्या पता। अगर नहीं पता था तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी। बेटा सॉरी वॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैनेज कर लेगा खुद ही। मगर वो तो मुझसे खफा हो गए। तुम टेंशन नहीं लो बेटा, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, जस्ट डोंट वरी। आज सरमत की खफकी को छोड़ो, जरा से ये मोतियों वाले दांत दिखाओगी तो फौरन स्लो मोशन में आ जाएगा। अम्मा हम चलें अब, वो लोग वक्त के बहुत पाबंद है। चलो 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 भाई, टाइम के पाबंद लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मेरा बहुत बड़ा भंड मार दिया बाबा ने, कसम से बाबा बहुत बड़े भंडारी हैं। वो कुत्ते बगल ने शायद चाइनीज का ऑर्डर दिया था। जी अरे वो चाइनीज पाकिस्तानी में कन्वर्ट हो चुका है और वो मैनेजर सारी कार्रवाई करने के बाद बताया उसने मुझे। ओ भाई, जहाँ सल्तनत के सुल्तान खड़े हो वहाँ गुलाम अपने पर नहीं मार सकते। क्या आप बाबा को जानते नहीं हैं? जानता हूँ, कुतुब अंकल को भी जानता हूँ, वो तो मुझे आराम से माफ़ नहीं करेंगे। एक सलूशन है मेरे पास। क्या? जो वो है ना दानिश भाई, चाइनीज रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनसे मंगवा लें। ओए सही यार, कसम से अच्छा किया तुम मुझे रिमाइंड करा दिया, मैं तो दिमाग सुन हुआ था। उनको फोन करता हूँ। लो जी पहुंच गया पहलवान। कौन पहलवान? सालिम बिन जाबर उर्फ टाइम पीस। वी हाँ बिल्कुल टाइम पे पहुंचाई। लोग इसकी शक्ल देखकर अपनी घड़ी की सुइयां ठीक कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग तो पूरे टाइम पर आ गए। भाई जो टाइम दिया था हम तो उसी टाइम पर आए हैं। राइट। खैर तुम लोग सुनाओ कैसे हो, ठीक ठाक? फाइन सर। आंटी आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। चलिए आप लोग अंदर जाके आराम से बैठे, हम जरा चेंज करके आते हैं। ठीक ठीक आ जाओ भाई। हाँ कैसे हो, बहन की मंगनी की तैयारी में लगे हो? हाँ जबरदस्त, वेरी गुड। बड़ा जॉली फेलो यार। बहुत जॉली फेलो। चले मैं चलो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसी शक्ल बनाने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? यार हीरा मुझे बहुत टेंशन हो रही है आदम की। तुम्हें एक मिनट, मैं जरा चेक करती हूँ। क्या चेक करना है? यही कि सूरज निकलता तो मशरिक से है, आज गुरूब किधर होगा। इस बकवास का क्या मतलब है? मतलब ये कि मोहब्बत हुई है उस आदम सुल्तान को, तुम किस बात की टेंशन ले रही हो? उसकी आंखों में आंसू देखे हैं मैंने और वो आसानी से रोने वाला नहीं है। उफ नेहा, इतने साल उसने तुम्हें भी रुलाया है। हाँ तो उसका तो हिसाब बराबर करती रही हूँ ना मैं साथ साथ। पता नहीं मुझे मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। लिसन, अगर तुम्हारी तरफ से भी मोहब्बत वोहब्बत का कोई सायरन बज गया है ना तो अभी बता दो, कैंडिडेट रिप्लेस करा देंगे। बकवास बंद करो, ऐसा कोई सीन नहीं है। सहमत आप मुझसे क्यों खफा हो रहे हैं? मैं खफा नहीं हूँ, बस परेशान हूँ। मुझे क्या पता था कि वो मेन्यू चेंज कर देंगे एंड टाइम पर। आप बाबा को नहीं जानती क्या? मैं तो जानता हूँ ना, मुझसे बात कर लेती। मैं क्या पूछती?
मुझे कुछ पता ही नहीं था। आप तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको तो बाबा को समझ जाना चाहिए। मेरी साइकोलॉजी कहती है इंसानों को इंसान होने का मार्जिन देना चाहिए, और आप फिक्र नहीं करें, वो समझ जाएंगे। मैं उनसे बात करूंगी, समझाऊंगी। इनको हम कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं समझते। इस भैंस के आगे बीन बजा बजा के हम थक चुके हैं। सच्ची सच्ची बताओ, कैसे लग रहे हैं मेरे पास? अम्मा आप भी तो पूरा झाड़ी सर पे लगा के आ गई। अरे तो और क्या करती, फूलों की फरमाइश की थी हेडरसन ने तो मुझे गमला ही बना दिया, और नहीं तो। वैसे मिसेस जाबिर, इंसान थोड़ा बहुत टाइम का मार्जिन तो दे ही देता है अगलों को। जी क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि जिस टाइम पे कहा था उसी टाइम पे आ गए आप तो। अम्मा वक्त की पाबंदी तो अच्छी बात है। अच्छा हाँ। लेकिन मेरी तो पूरी तैयारी रह गई, अभी तो और बहुत कुछ करना था मुझे। चले चले अब तो हो गया ना, इसलिए मैंने तो वक्त से पहले ही अपने सारे काम निपटा लिए थे। बहुत अच्छा किया। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। उल्फत एक सेकंड जरा आना, जरूरी बात करनी थी। अरे बुलाओ ना नेहा को, रस्में शुरू करनी है। हलीमा भाई ये कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा? आए देखो तो, आए जूतों समेत ही उसकी आंखों में घुस गया। अच्छा और वो याद से जरूर वो गिफ्ट्स दे देना मिसेस जाबिर को। आप बेफिक्र हो जाएं। एक सेकंड। आप खुदा का खौफ करें, घर जाके तबसरे कर लीजिएगा ना आप भी। ईमान से मुझे शक हो रहा है कि दूसरी शादी तो नहीं कर ली इसने, बहुत ही अच्छा बन रहा है उसके साथ। मरवाएंगी क्या, चुप कर जाए। घर जाके क्या करूंगी यार, लाइव कमेंट्री में जो मजा है घर जाके करने में कहां मजा है। गजरे पहनना भूल गई, प्लीज पहन के आ जाओ, मैं खास तौर पे लाया था तुम्हारे लिए। बच्चियों जरा जरा वैसे मिसेस जाबिर, कोई जवान बच्चे बच्चियां हैं आपके घर में, गैर शादीशुदा, खुश शक्ल, वेल एजुकेटेड? बार की जरूरत हो तो तमन्ना मैरिज ब्यूरो से रुजू कीजिएगा। कार्ड नहीं लाई आज, वरना तो आपको जरूर दे देती। माँ आपने भी खोल ली ना दुकान अपनी यहाँ पर भी। तो और दुकान कहाँ खोलती। नेहा बाजी बड़े मेहमान आ गए हैं, जल्दी से आ जाए। तुम्हारे आदम भैया कहाँ है? वो तो उमर भाई के साथ बाहर बैठे। अच्छा तुम लोग जाओ, हम लोग आ रहे हैं, जल्दी से आ जाए। अब अपना मुंह ठीक करो और रेडी हो जाओ जल्दी से, चलो। सुरमे को देख कैसे लट्ठे की तरह अकड़ा बैठा है, जैसे अभी ऑस्कर जीता है। उसका ही दिन है आज तो, उतरा मैदान में और मेला लूट लो। ये मेले सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में लूटे जाते हैं, असल जिंदगी में तो टांगे टूटती हैं। तो मोहब्बत की खातिर दे दे कुर्बानी टांगों की भी, और जाओ उतरा, सर को बोल मैंने शादी करनी है, जाओ जाओ। क्या बोल दो? अबे नहीं भाई, पागल हो गए हो? मैं अपने भागने वाले जूते नहीं लाया। जादू भरी लगती है सबसे निराली, ओ तेरी हंसी जादू भरी लगती है मुझको निराली। वो पल भी वो ना चल सके, राहों में मिले जो तुमको राही, राहों में मिले जो तुमको राही। ओ तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले। Oh,
क्या बात है, कंफ्यूज लग रही हो? इज एवरीथिंग ऑल राइट? जी भाई, मैंने तो जर्मनी में सारी सेटिंग कर ली है, अब आइंदा से नेहा की बाकी की पढ़ाई जर्मनी में होगी इंशाल्लाह। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है भाई, मेरी बेटी बहुत करियर ओरिएंटेड है। यस यस आई नो, लेकिन एक बात याद रखो, अब ये तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी बेटी है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। सरमत, सुल्तान दिन नजर आ रहा? बस आने वाले हैं, उसके बाद हर जगह आपको वही नजर आएंगे। अच्छा चलो ओके। हेलो गाइस, आज आपके साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करनी है दद्दू हैंडसम ने। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? शुक्र है को खुशखबरी सुनने को मिलेगी, वरना मनहूस खबर सुन के मेरी खुद की शक्ल मनहूस हो चुकी है ना। आप सबसे पहले तो ये बताओ कि ये महा को क्या हुआ? वो आप खुशखबरी बताए ना। खुशखबरी ये है कि मुझे एक बहुत बड़े कमर्शियल की ऑफर हुई है, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी की तरफ से। प्रॉपर्टी वाले तो नहीं जिसमें होता है 1000 फीट के कुशादा अपार्टमेंट अटैच बाथरूम, वो ले तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, जोड़ों के दर्द का मरहम है, पूरे 25 लाख मिलेंगे मुझे। 25 लाख? लेकिन आपके जोड़ों में तो कोई दर्द नहीं है फिर? शादी के बाद से अकल से पैदल नहीं हो गए दामाद जी? अरे जोड़ों के दर्द का मुझसे क्या ताल्लुक? सॉरी दद्दू, मेरा खुद का दिमाग चकरा हुआ है, मैं समझ नहीं पाया। चलें, अब थोड़ी देर में रस्म होने वाली ना। हाँ तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। ओके। हाँ तो गाइस, ये जोड़ों के दर्द की बात आपने इनकी सुनी तो नहीं है? मुझे नहीं है, आप जानते हैं। ओके क्या हुआ बेटा? आंटी आई थिंक रिंग छोटी है। नहीं बेटा, मेरा ख्याल है रिंग छोटी नहीं है, आपकी उंगली कुछ मोटी हो गई है। लगता लड़का खुशी से फूल गया। अब भाई उंगली तो बदल नहीं सकते, तो रिंग ही बदलनी पड़ेगी ना, नहीं तो। उंगली तो तेरी बड़ी स्मार्ट लग रही है, तू जाके ट्राई कर ले। चुप हो जा। ऐसा करो बेटा, अभी रख लो, मैं कल चेंज करवा दूंगा। चलो कल तक का टाइम मिल गया तुझे। सारे भाई साबुन लगा के पहनेगा, आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है बच्ची, मैं कल साबुन ले आऊंगा, तुम लगा के उसको ट्राई कर लो। तो चलो भाई लड़को, खाना लगवाओ फिर, सुल्तान के कमालात देखो, सर पे खड़ो के मनवाइए एक चीज। चलो 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 चलो, खाना लगवाओ भाई, खाना। आदम बात सुनना मेरी जरा। मैं खाना लगवाता हूँ फिर सुनता हूँ। हेरा हेरा, क्या हुआ है? अम्मी से कहो कि मुझे खाना जो ना कमरे में सर्व करवा दे। अच्छा मैं भी कहती हूँ, बैठो। तो क्या हुआ नेहा? कुछ नहीं, वो सुबह से नौजिया हो रहा है, रूम में जाके खाना खाऊंगी। ओ, ज्यादा तबीयत खराब हो रही है तो डॉक्टर के पास ले चले। नो नो इट्स ओके। अरे क्या हुआ बेटा? अम्मी वो सुबह से खाना नहीं खाया ना, तो बस तबीयत अजीब हो रही है, मैं रूम में जाके खा लूं। हाँ हाँ चली जाओ हीरा बेटा, इसे इसे ले जाओ अंदर। ये मेन्यू किसने बदल गया? मैंने तो ये खाना नहीं बनवाया था।
बाबा सबको सुकून से खाना खाने दे, हम बाद में बात करेंगे। अरे क्या करोगे, तुमने खड़े खड़े मेरा 20,000 का नुकसान करा दिया। कैसा नुकसान? जरा देखो उसे पूरा खाना रिप्लेस कर दिया मैंने। मिर्जा से 20,000 की शर्त लगाई थी कि अपना पहला ऑर्डर पूरे शानदार तरीके से पूरा करूंगा। ये शर्तें लगा के रेस्टोरेंट चलाएंगे और करें ट्रस्ट इन पे। अंकल आपको क्या जरूरत थी मेन्यू चेंज करवाने की? अरे इस बेवकूफ को क्या पता, कुतुब को तो पसंद ही नहीं है चाइनीज। सारा मेन्यू ना अब्बा ने सारिन के लिए रखवाया था। निगरानी में सारा खाना बनवाया? जी जी अब्बा, सारी मेहनत अंकल सुल्तान की है। देख लो, हाँ मेरी बेटी ने आखिरकार तुम्हारे अंदर छुपा टैलेंट भांप लिया। आफ्टर ऑल बेटी किसकी है और तरबियत किसने की है इसकी? प्रोफेसर कुतुबुद्दीन ने। नहीं 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 नहीं, मेरी प्यारी बीवी उल्फत ने। देख लिया कितनी ताबेदार, फर्मा बरदार और टैलेंटेड बच्ची है। तुम खामखा बेटा बेटा की गर्दान करके मुझे एहसास महरूमी दिलाते रहे और मैं बेवकूफ ज्यादती करता रहा अपनी बच्चियों पर। हाँ भाई, अब तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि बेटों की जगह अल्लाह मुझे बेटियां ही दे देता, कम से कम सिचुएशन में अपने वालदैन का साथ तो निभाती। अरे नहीं सुल्तान भाई, ऐसी बात नहीं है, बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं, आपको तो फखर करना चाहिए। क्या हो गया, ये क्यों खफा है? सर मत नाराज थे मेन्यू की वजह से, इसीलिए। अच्छा मैंने सुना है कि सरमद ने क्लासेस लेना शुरू कर दी। जबरदस्त काम किया है तुमने महा बेटा। ब्रिलियंट, बहुत अच्छा। चले आप लोग खाना खाएं। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले आदम से कहो कि नेहा को खाना कमरे में सर्व करवा दे। ठीक है। अरे नेहा को पता नहीं क्या, नेहा की तबीयत कुछ खराब हो रही थी। अच्छा? हाँ, कमरे में मैं देख लूं जाके। नहीं नहीं, शी इज फाइन। शराफत से अंदर आओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा। हाँ। मैं पानी की बॉटल लाती। क्या टोपी ड्रामा? मैंने कोई टोपी नहीं पहनी। तो तुम मुझे किस खुशी में टोपी करवा रहे हो? तो मैंने क्या किया है? तुमने मेरा कोई कर्ज नहीं देना है, मेरी तरफ देख के बात करो। तुम्हारी तरफ देखूंगा तो सब भूल जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो तुम क्या? हाँ पागल हो गया हूँ, ये सोचो कि तुम कहीं चली जाओगी। किसी ना किसी ने तो मुझे जाना है ना। रह भी सकती हो ना माँ की तरह। मैं सारम को बोलूं कि इसी गली में कोई घर खरीद लें। घर खरीदने की बात नहीं है, मेरा घर है ना। आंटी क्या हुआ, सब खैरियत? बेटा मैं कह रही थी सारम से कि मैं नेहा को मिलना चाह रही हूँ, उसे खुदा हाफिज़ कह दूं। मैंने समझा भी रहा हूँ कि शी इज नॉट फीलिंग वेल, वहाँ बाद में मिल लीजिएगा। कोई मसला नहीं, मैं मिलवा देती हूँ आप लोगों को, आ जाए। क्या हो गया आदम, मेरी अभी इंगेजमेंट हो चुकी है, हम दोस्त हैं सिर्फ। तो तुम रो दोस्त के दायरे में, कौन निकाल रहा है तुम्हें? आदम अगर तुम आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो बाहर सब नोट कर लेंगे। तुम्हें डर लग रहा है? मोहब्बत मैंने की है, डर मुझे लगना चाहिए? नाम तो मेरा बीच में आएगा ना। तुम मेरा नाम भी गवा रहे हो। फिर आ गई है। आंटी जा रही थी तो तुमसे मिलना चाह रही थी। जी जी आइए। आदम तुम खाना आप लेकर आयो, कब से बोला हुआ तुम्हें? सॉरी भाभी मैं बस जा रहा हूँ। लगता है तुम्हारी भी तबीयत खराब है। इसको कल रात से फ्लू हो रहा है, काफी बुखार भी था, अभी बेहतर है? हाँ काफी बेहतर। क्या
आप लोग बैठे ना प्लीज। जी आप आइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फंक्शन तो अच्छा हो गया। माशाल्लाह, दोनों आदम और सरमद ने बहुत सपोर्ट किया भाई, वेल डन। अब एक इवेंट मैं करवाने वाला हूँ इस घर में। आए सबके जाओ, दोबारा शादी का इरादा है क्या? अस्तग़फ़िरुल्लाह। हाँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह की क्या बात है भाई, लाइफ पार्टनर की जरूरत तो इंसान को हर उम्र में पड़ती है। वेल एजुकेटेड हो, कुन ज़हन भी नहीं लग रहे, ये बात समझ में नहीं आ रही क्या तुम्हें? ओ नहीं तो हम काफी हैं अब्बा के लिए। ए रहने दो मियाँ, खुद तो मकनातीस की तरह खींचे चले आ रहे थे अपनी बीवी की तरफ इस उम्र में, और दूसरों को अकेले जिंदगी गुजारने का भाषण दे रहे हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस पे बनता है। अम्मा हद करती हैं आप भी, ये बात क्या करने वाली? सरमद बेटा, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, चले? मैंने मिली को भेजा है महा को बुलाने के लिए। भाई महा भाभी कह रही है कि आज यही रुकेंगी। अच्छा चले चले फिर। नहीं लेकिन महा यहाँ कैसे रुक रही है, उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा। मुझे भी कुछ नहीं बताया उसने। अरे तो क्या उसे अपने मायके में रुकने के लिए परमिशन लेटर चाहिए? नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। कहना भी मत, अपनी पोतियों के बारे में बहुत पोजेसिव हूँ भाई मैं। मामू ठीक ही तो कह रहा है वो, महा को पहले से बताना चाहिए था ना। अरे छोड़े ना उल्फत भाभी, क्या है दो कदम पे तो घर है, आ जाएगी खुद ही। चलो बेटा सरमा चले। हाँ चलो चलो, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अरे सफीउल्लाह कार्ड ले लेना मुझसे, काम आऊंगी। खुदा हाफिज। ओके अल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू बेटा, वेल डन, थैंक यू। क्या हो गया आदम? मेरी अभी एंगेजमेंट हो चुकी है, हम दोस्त हैं सिर्फ। आदम अगर तुम आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो बाहर सब नोट कर लेंगे, नाम तो मेरा बीच में आएगा ना। सही कहते हो भाई, देखो तो महल की शहजादियों के मिजाज बहुत ऊंचे हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन दिल की अच्छी है। जब से तुमने दिमाग के बजाय दिल की आंख से देखना शुरू किया है ना, ज्यादा सुकून.com नहीं हो गया क्या? आपको ये सुकून अच्छा नहीं लगा? अरे कहाँ है, एक तो कसूर भी अपना, ऊपर से एटीट्यूड भी मुझे दिखा रही है। कौन नेहा? नेहा मुझे क्यों एटीट्यूड दिखाएगी, कि दिमाग कहाँ पे तेरा? सॉरी मैं ऐसे मुंह से नाम निकल गया। ऐसे नाम नहीं निकलता मुंह से। बताओ सच सच बताओ, ये जापानी फल वाली शक्ल क्यों बनाई हुई है? मैं आप शुक्र करें कि वो दानिश भाई ने खाने की रेटिंग कर ली थी, वरना यही शक्ल आप बना रहे होते। हाँ यार खुदा का शुक्र है, वरना बहुत बुरा होता। वैसे भाभी क्यों नाराज है? अरे मूड तो मेरा ऑफ होना चाहिए था, और मैंने पूरी कोशिश भी की थी मूड ऑफ करने की, लेकिन तुम सही कहते थे, ये खुद भी सितारे हमेशा दूसरों की चमक को मान करते हैं। चले टेंशन ना लें, सुबह तक आपकी चमक वापस आ जाएगी। ऐसे तुम्हें डर लग रहा है? मोहब्बत मैंने की है, डर मुझे लगना चाहिए? हेलो, अभी इसी वक्त हमारे घर के लॉन में आओ। टाइम देखा है तुमने?
तुमने हमारे घर में आने के लिए कब से टाइम देखना शुरू कर दिया? पहले तो जब दिल करता था उठा के आ जाते थे, अब बताओ तुम्हारे या मैं हूँ तुम्हारी तरफ? चलो ओके आ रहा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बचपन में याद है हम लड़ते थे और फिर ठीक एक घंटे बाद हम में से कोई दूसरे के घर पर होता था। हाँ तो फिर नेहा कुतुबुद्दीन ऐसी लाइफ सोच कैसे सकती है जिसमें आदम सुल्तान ना हो? तो हम इन टच होंगे ना, मुल्क छोड़कर जा रही हूँ, दुनिया छोड़कर तो नहीं जा रही हूँ। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? तुम्हारा दिल कांपता नहीं? अंदर से पूरा वजूद कट जाता है मेरा तुम ऐसी बातें करती हो। आदम तुम बचपन से मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे और अब तुम मेरे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो। तो बेस्ट फ्रेंड अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता? मतलब देखो मैं खुद से मोहब्बत तो नहीं करवा सकता तुम्हें, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कुछ तो फील करती हो, कहती नहीं हो दिखाती नहीं हो लेकिन करती जरूर हो। ये सब तुम्हारा वहम है, अब्बा आ गए घर चलो। आदम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये आदम क्यों आया था अभी? वो माँ ने कुछ चीजें मंगवाई थी इसलिए। अरे वाह, सरमद ने तो मेरी बेटी को ऐसा ट्रेन कर दिया। ससुराल ना अच्छे अच्छे को ट्रेन कर देते हमने, वो भी चार दिन में। तुम्हारा मूड क्यों उखड़ा हुआ है, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो। अच्छा अगर कुछ हुआ भी है ना तो उसे इग्नोर करना सीखो। चीजों को जहन पे सवार करोगी ना तो खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा करोगी तुम। मम्मी एक बात बताएं, अब्बा की ये सारी बातें आपने इतने सालों कैसे बर्दाश्त की? तो अब देखो ना, खुदा ने उसका अजर मुझे खुद ही दे दिया, परसों से कैसे आगे पीछे दौड़ रहे हैं मेरे। और इतने साल जो बर्बाद हो गए उनका क्या? तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अब आने वाली खुशी को धुतकार दूं और रोना पीटना शुरू कर दूं? मैं ये नहीं कह रही। कहना भी मत क्योंकि मैं मानूंगी ही नहीं। अच्छा ये बताओ कल सरमद का मूड क्यों ऑफ था? अपने बाबा के साथ उनकी कोई बात हुई है। तो ये सुल्तान भाई ना, उम्र गुजर गई लेकिन बदले नहीं, पता नहीं घर वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं उन्हें। कमाल ही है, और ये भी कमाल है। अब्बा आपने प्रोजेक्ट से क्यों मना कर दिया? अब्बा नहीं सर। सर तुमने कुछ बोलो सर को, बताओ ना कि हमने कितनी वर्किंग की। सर वैसे ठीक कह रही है नया। एक बात बताओ, तुम्हें आजकल हाँ में हाँ मिलाने के पैसे दे रही है जो इसके चमचे बने हुए हो? अब्बा गलत बात है, किसी को इस तरह चमचा नहीं कहते। अच्छा बहुत जल्दी एहसास हो गया तुम्हें। लास्ट सेमेस्टर है, स्टडीज पर फोकस करो क्योंकि एग्जाम्स के बाद जाबिर तुम्हारी और सारम की शादी करना चाहता है। लेकिन अब्बा उससे प्रोजेक्ट का क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम एग्जाम्स के बाद फॉरन जर्मनी चली जाओगी, वहां बैठकर अपनी रिसर्च पर फोकस करना। हाँ, मेरी वजह से आदम का क्यों चांस वेस्ट कर रहे हैं? किसने का वेस्ट कर रहा हूँ? आपने खुद ही तो कहा 2 मिनट पहले कि मैंने वीसी साहब से कह के मना करा दिया है। तुम्हारा मना किया इसका नहीं, अब आदम और हेरा प्रोजेक्ट की तैयारी करेंगे। वैसे मैं हेरा के साथ कैसे करूंगा प्रोजेक्ट? तो फिर उमर के साथ कर लेना। लेकिन मैं नेहा के साथ करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। आपने क्यों मना किया प्रोजेक्ट से? चूंकि नेहा मैं चाहता हूँ जर्मनी, तुम मेरे साथ देखो। तो आदम के साथ अगर देखूंगी तो क्या टैक्स लग जाएगा? फजूल बातें नहीं करो, चलो जाओ तुम्हारी क्लास का टाइम हो रहा है। लेकिन अब्बा आप। चलो निकलो, कम ऑन। तुम्हारा क्लास का टाइम नहीं है इसके साथ? जी सर। एक रिक्वेस्ट है,
आप उमर और हीरा को साथ लगा दें प्रोजेक्ट पर। क्यों, तुम भी जर्मनी नेहा के साथ ही देखना चाहते थे ना? अब तो कुछ देखने का दिल नहीं चाह रहा। सर आपने आपने स्टाइल देखा इसका? जस्ट इग्नोर हिम, दोनों बहुत जज्बाती हैं। पहले लड़ते थकते नहीं थे, अब एक दूसरे को फेवर करने का बुखार चढ़ गया है इन दोनों को। You're right. Thank you, sir. Okay. तुम मिले ना जाने जा